और इसीलिए मैं जे से आने के बाद भी बार बार बोल रहा हूं कि उन 63 मां बाप को, उस 63 मां बाप ने जो अपने बच्चे खोए हैं उनको जस्टिस मिले, इंसाफ मिले। एक दो वर्ड का सिंपति का नहीं बोला है किसी गवर्नमेंट ने कि भाई गलती हो गई, कोई कंपनसेशन नहीं दिया है। अगर आप गोरखपुर जाओ, और ये बता दूं आपको कि ये पॉलिटिक्स है बस, जब मैंने उस 48 घंटे में मेहनत की, कभी नहीं देखा कौन हिंदू का बच्चा है, कौन मुस्लिम का बच्चा है, कौन अमीर का बच्चा है, कौन गरीब का बच्चा है। उस 63 में से सारा पार्ट वो सोशल स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया का, पर वो बस गरीब है। तो उनको गवर्नमेंट कंपनसेशन भी नहीं दिया कि 2-4 लाख रुपए दे दिया जाए, क्योंकि आप जाइए उनसे बात कीजिए, वो खुद इतना डरे हुए हैं कि कभी वो इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करते। तो मैं उनके लिए लड़ूं, मैं उस इंडिया के सोल के लिए लड़ूंगा जिसके लिए मैं छोटा बच्चा था, छोटी बचपन में मैं भी घरों का बनाता था, मैं भी रंगों में खेलता था, वो सब खत्म हो रहा है। आज दिवाली, होली और ईद अलग अलग लोग मनाने की बातें कर रहे हैं। अभी संजय जी ने लिंचिंग की बात की है, लिंचिंग करते क्यों है लोग, उनको भी पता है 25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लिंच करके मार तो नहीं सकते। वो लिंचिंग इससे करते हैं कि जो उनके सपोर्टर्स जिनकी आंखें पे काला चश्मा पहना दिया गया है 2014 के बाद से, वो खुश है। ये तो एक बात थी उस बीआईडी में क्या हुआ। उसके बाद जो है 9 महीने किस तरह से उन्होंने मुझे टॉर्चर किया रखा, तो अल्लाह का शुक्र है कि जब हाईकोर्ट ने बेल ऑर्डर दिया तो उस बेल ऑर्डर में कहा कि यूपी गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोड्यूस इवन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट मी, एक सबूत नहीं दे पाए। इन्होंने इल्जाम लगाया था इसकी डिग्री फर्जी है, तो कोर्ट ने पूछा इसकी डिग्री फर्जी है तो तुमने इसको नौकरी कर ली है, एमसीआई क्या कर रहा है, एमसीआई ने कैसे इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है। इन्होंने कहा ये घूस खा रहा था, करप्शन करता था, कह रहा है तो अभी एक साल हुआ है के पास कोई फाइनेंशियल पावर है ही तो कैसे करप्शन करेगा। आखिर में ले देखे उन्होंने 308 का चार्ज लगाया है, पहले उससे पहले 10 चार्जेस थे। 308 का मतलब होता है कल्पेबल होमिसाइड, यानी गैर इरादतन हत्या, ऐसे कहा है। उन 63 बच्चों को मैंने गला दबा दबा के मारने की कोशिश की है। कभी कभी लगता था कि जेल में मैं अल्लाह से पूछता था क्यों इतनी तकलीफ दे रहा हूं, क्या गलती कर, मैं तो मेरा इंटेंशन सही था और मैंने कोशिश की थी भाई, 400 बच्चे थे नहीं बचा पाया, सब हमारे हाथ में नहीं था, क्यों इतना दे रहे हो दर्द, तो जवाब नहीं मिलता था। पर अब जब बाहर आया तो इतना लोगों का प्यार मिला, मतलब मुझे यकीन नहीं आता है, लाखों करोड़ों लोग जो मुझसे जानते हैं, जैसे कहा इतनी दूर से मैं दुआ करता था तो इतनी दूर से लोग उस डॉक्टर कफीर किल से आज जुड़े क्यों हैं। मैंने बहुत, मैं लखनऊ गया, दिल्ली गया, केरला गया, हैदराबाद गया, बेंगलोर गया, आज मुंबई हूं और लोग 100,000 लोगों से मिल रहा हूं। लोग क्यों बात प्यार करते हैं डॉक्टर कफीर को, क्योंकि डॉक्टर कफीर को इसलिए नहीं प्यार करते कि ये एक शख्स है, डॉक्टर कफीर को इसलिए प्यार करते हैं कि वो देखते हैं अपने आप को, हो सकता है वो भी डॉक्टर कफीर बन जाए। गवर्नमेंट की नीति वो है कि आज आप आदमी इतना डर रहा है कल उसके साथ क्या हो, उसे एहसास, मतलब वो ये देखते हैं कि कोई भी डॉक्टर कफीर बन सकता है, गवर्नमेंट किसी को भी पेनलाइज कर सकती है। जब आप कोई अच्छा काम करो उसके बाद भी इस तरह की सजा दी जाएगी तो किसी को भी वो पकड़ा बना सकते हैं।
बलि का बकरा जो कहते हैं, एनीवे वो तो एक बात थी, पर अब वो इतने नीचे गिर गए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं कि मेरे भाई को मारने के लिए शूटर भेजे गए। अब ये पुराने जमाने की मुंबई में हूं तो पुराने जमाने की अमरीश पुरी की तरह है मूवी। बस ये बता रहा, जहां पर चीफ मिनिस्टर सोता है, मतलब समझ लीजिए जहां पर मैं खड़ा हूं और ये कांग्रेस का ऑफिस जहां से भी लोग दस्तियार हैं, इतनी दूर की दूरी हो, दो स्कूटी पे सवार आते हैं, पीछे से गोली मारते हैं। भाई भाई जो है तरावी पढ़ने के बाद अम्मी जान के लिए चप्पल ले लिया था, रात का 10:30 बज रहा था, पीछे से गोली मारते, गोली एकदम पार करते हुए आ गया है, वो गिर जाता है भाई, वो भागने लगता है, तो बकायदा उसको दबाया जाता है। वहां का पूरा अपराध वाली मूवीज आपने देखी होगी, उसको दबाते हैं भीड़, फिर एक गोली मारते हैं, फिर दबाते हैं और फिर उसके पास आके यहां से कंधे में गोली मारते हैं और जो गर्दन भी जाके फंस जाती है। अल्लाह का शुक्र था फिर भी बोल रहा होता है, थोड़े रहीम सही में थोड़ा अच्छे करते हैं, शायद अगर मैं होता तो बिस्तर बच गया, अल्लाह का शुक्र है, ये भी रहमत है। तो इस तरह का है, बताइए कि कहते हैं जहां चीफ मिनिस्टर सोता है परिंदा भी पर नहीं मारता, उससे उतनी दूरी पे इतना बड़ा कांड हो जाता है, और पुलिस 14 दिन बाद भी कहती है कि हमें पता नहीं है किसने दिया है। और उसके बाद जो हुआ, एक हिंदी मूवी आई थी वर्दी वाला गुंडा, सीओ गोरखनाथ जो उनकी सिक्योरिटी इसके अंडर में थी, वो आते हैं रात में, जैसे ही भाई को गोली भी लग जाती है, हॉस्पिटल लेके हम लोग जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं अपने दल बदलों के साथ और कहते हैं नहीं इसका इलाज पहले नहीं होगा, पहले मेडिकल कर दो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है दैट यू हैव टू सेव लाइफ फर्स्ट, बट वी अग्री वहां पर मेडिकल इगर हुआ तो उनका ना ये मेडिकल इगर नहीं मानेंगे, हम गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाएंगे। फिर हम लोगों को गवर्नमेंट डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर ले गए, वहां पर मेडिकल इगर हुआ। जब वहां पर मेडिकल इगर हुआ तो एक घंटे बाद बोलते हैं कि नहीं नहीं ये डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं हो, आप मेडिकल कॉलेज ले चलिए, जो कि 15 किलोमीटर दूर था। मेरा भाई रो रहा था, मेरे भाई का खून बहा जा रहा था, मेरा भाई तड़प रहा था और मैं डॉक्टर हूं, मैं समझ रहा था जो डॉक्टर वहां पे उसको ट्रीट कर रहे थे गोली गर्दन में, कैरेटिक साइनस होता है, उसके बाद फसीने निकालना जरूरी है, पर वो लोग जिद किए तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर देते। रात के 2:30 बजे हम लोग मेडिकल कॉलेज गए और जब मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो वहां पता चला नहीं मेडिकल इगल तो हो चुका है, दोबारा नहीं होगा, आप वापस ले आइए। और हमारे पास 2:30 बजे रात में ऐसे डॉक्टर नहीं है जो गोली निकाल सके, वो भी गर्दन में फंसी हुई, आप लखनऊ लेके चले जाइए, बताइए आप क्या करेंगे। बेबस हो जाते हैं कभी कभी, पर लड़ना है। बहरहाल मैंने भाई को दादा फिर से एम्बुलेंस में, जो ऑपरेशन 11 बजे होना था 3 बजे हुआ। तो इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह के वो नीचे उतर रहे हैं और ये सरकार स्पॉन्सर्ड है। मैं डीजीपी से मिला हूं 13 तारीख को और मैंने लिखित शिकायत की है कि ये दोनों जो कॉप हैं एसपी सिटी और सीओ गोरखनाथ, इनको हटाया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उनको वीडियो भी दिखाया मैंने किस तरह से उन्होंने किया है और सारे पेपर दिखाए, डॉक्टर का स्टेटमेंट दिखाया, फिर भी आपको तयजुब होगा पर यह सच है कि वही सीओ गोरखनाथ और एसपी सिटी मेरे भाई के गोली लगने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, यानी जो चोर है वो चोरी की जांच करेगा कि चोर का सामान कहां गया है। और सर मेरे साथ भी यही हुआ, जिस डीजीएमई को, जिस डीजीएमई डॉक्टर के गुप्ता को उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है वो,
जिसने 68 लाख रुपीस किसलिए नहीं दिए कि पुष्पा सेन से कुछ और कमीशन मिल जाए, इस लालच में 5% के बजाय 10% मिल जाए, इस लालच में उसने पुष्पा सेन का पेमेंट रोका हुआ था, वही डीसीएमई ने मेरे खिलाफ जांच की, उसी डीसीएमई ने मेरे खिलाफ एफआईआर किया और वही डीसीएमई अभी भी डीसीएमई बना। तो अब बताइए कैसे है, किस तरह से जिंदगी चल रही है, किस तरह से कहते हैं 2014 मीडिया आफ्टर 2014 से इतना अंधा कानून इतना अंधराज तो नहीं था। आज 2 हफ्ते हो गए हैं अभी भी कोई कहती है पुलिस क्लूलेस है। तो ये तो मेरी छोटी सी कहानी थी और ये कहानी से मेरी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि लोग प्यार क्यों करते हैं, मतलब जिस दिन मेरे भाई को गोली लगी थी मदीना से मेरे पास फोन आया कि हम लोग 5000 लोग इकट्ठा हो गए मदीना में, हम नमाज पढ़ेंगे रात भर तिलावत करेंगे आपके भाई। तो ये प्यार मिला है, तो अल्लाह की कुछ मसलहत होती है, अल्लाह का प्लान है, पर हमें ये सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमने जो छोटे बचपन में अपने भारत अपने इंडिया अपने हिंदुस्तान को देखा था, जहां साथ खेलते थे साथ बैठते थे साथ सब करते थे, उसको उस इंडिया को सोच को वो थ्रेटन कर रहे हैं। और किस तरह करते हैं, एक रैबिट होल थ्योरी है जिसमें आपके पास एक मास वीडियो आएगी या फोटो आएगी जिसमें मौलाना साहब दाढ़ी बड़ी हुई टोपी पहने हुए एक गाय के ऊपर पैर रखे रहेंगे, गर्दन कटी रहेगी या गीता के ऊपर रखे रहेंगे, मास रहेगी आपके व्हाट्सएप में आती है। आप थोड़े से इवन दो आप सेकुलर हिंदू हो मॉडरेट हो सब कुछ हो, आप विचलित जाओ, मुझे भी बुरा लगेगा कि क्या है क्यों करना है। उसी के नीचे आपके पास एक लिंक आएगा, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो देखोगे 4 मुस्लिम लड़के एक छोटी सी लड़की का रेप कर रहे हैं। फिर आप उसके नीचे एक लिंक आ जाएगा, आप उसको क्लिक करते हो तो आप देखोगे कि मुस्लिम लड़कों का अल्लाह का झूठ जो है पाकिस्तान की टीम का खुश हो रहा है। तो आपके दिमाग पे वार किया जाता है, एक गुफा से दूसरी गुफा से तीसरी गुफा में ले जाया जाता है, आपकी सोच को टारगेट किया जा रहा है, आप भूल जाते हो कि आप क्या हो, आप सिर्फ और सिर्फ वो देखने लगते हो जो वो दिखाना चाहते हैं। इसी को टनल विजन कहते हैं, एक काला चश्मा जो 2014 से पहले बेचना स्टार्ट कर दिया गया था और उसी को बेच के वो सरकार बनाया और उसी को बेच के वो 4 साल से चला रहे। तो आपको उससे बचना कैसे, तो सबसे पहले तो आपको उस तरह की टक्करवाद की तरफ नहीं जाना। नो राइटिंग नो लेफ्टिंग, हम नहीं बात करेंगे एकदम कट्टरवाद मुस्लिम होने की है, हम नहीं बात करेंगे एकदम कट्टरवाद हिंदू होने, हम उस फेक न्यूज को हम उसको वहीं पे डिलीट करेंगे, हम देखेंगे, हम अपने इंडिया के सोल की बात करेंगे, हम अपने इंडिया के प्रोग्रेस की बात करेंगे। हर बार जहां जाता हूं लोग सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि योगी ने आपके साथ किसी ये प्यार की, आप मुस्लिम थे ना, मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, वो उनकी निगाह गंदी है वो उनकी सोच गंदी है। योगी जी ऐसा सोचते होंगे, मैं नहीं सोचता ऐसा, मैं ये सोचता हूं कि हो सकता हो अपने लोगों को बचाने के लिए क्या हो, मैं ये सोचता हूं कि मैं अल्लाह में बिलीव करता हूं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। रिलीजन इज अ स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन इज अ ह्यूमैनिटी, मैं सारे रिलीजन को उसी तरह से रिस्पेक्ट करता हूं उसी तरह प्यार से देखता हूं। आई डोंट यू नो डिफरेंशिएट, आई हैव गुड फ्रेंड्स इन ऑल पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो ये मेरी सोच है, अगर कोई गंदा सोचता है तो गंदा नहीं बनो, उसी तरह बन जाओगे तो तुम्हारे और हमारे में फर्क क्या बन जाए। अगर मैं योगी जी की तरह की लैंग्वेज यूज करने लगूं तो मेरे डॉक्टर बनने का
दस पंद्रह साल पढ़ने का मतलब क्या रह गया? तो उस चीज पे बात करना है हमको, उनके साथ नहीं जाना, हमको उस इंडिया के बारे में सोचना है जो आज से 10-15 साल पहले था, जहां सब लोग प्यार से रहते थे। उस रैबिट होल थ्योरी को ही नष्ट कर देना। लिंचिंग जैसे गया था, लिंचिंग क्यों होती है भाई? उन्हें पता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खत्म करके वो भगा नहीं सकते। लिंचिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो जिन्होंने काला चश्मा पहन लिया है ना, जिन्होंने कलर विजन हो गया है, वो खुद है। और मैं आपको यकीन दिला देता हूं, जैसे जैसे 2019 लोकसभा चुनाव आएगा, वैसे वैसे ये सब घटनाएं बढ़ती जाएंगी, और लोग मरेंगे और लोग मारे जाएंगे। पर जो बड़े होटल में रूम में बैठ के करवाते हैं, इनको कुछ नहीं होगा। डीमोनेटाइजेशन की बात की सर ने, इंडस्ट्री की बात की सर ने, 2 करोड़ जॉब दूंगा उसकी बात की थी, वादा किया गया था, वो पूरा नहीं हुआ है। तो उसकी बात वो लोग नहीं करेंगे, कैसे वो बताएंगे आपको कि मैंने कहा था 2 करोड़ जॉब दूंगा हर साल, और 4-5 साल में 10 करोड़ जॉब होंगे, 31 लाख जॉब दिए टोटल। आपको बता दूं, 2014 इलेक्शन से पहले भी साहब आए थे और वादा किया था कि गोरखपुर के इंसेफ्लाइटिस को खत्म कर दूंगा, उसके बावजूद 1000 बच्चे रोज मर रहे। तो आपको मैंने कहा ना, उस टनल विजन और उस क्रिटिसिज्म से बचना है। एक बात याद रखना, जो अच्छा है, जैसे सुषमा स्वराज है, वो अपने फॉरेन मिनिस्ट्री में अच्छा कर रही है, तो उसको अप्रिशिएट करो। जो चीज गलत हो रहा है उसको गलत कहो। हमारा हेल्थ सेक्टर की कोई बात ही नहीं करता है। केरला गए थे अपने योगी जी, मैं केरला वहां भी गया था, तो लोगों ने बताया कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए थे और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केरला से कि कम बेटी क्यू हाउ टू रन हॉस्पिटल। केरला के मैं फिर उनसे बात करने के बाद मैंने रिसर्च किया केरला का हेल्थ स्ट्रक्चर कैसा है। 14 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे केरला में और 25 मेडिकल कॉलेज हैं। अब गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज तो जवाहरलाल नेहरू ने बनवाया था, जितनी पोस्ट रखी थी वही वही एक मेडिकल कॉलेज है। आज 70 साल हो गए इंडिपेंडेंस को, एक मेडिकल कॉलेज जो 2 करोड़ पॉपुलेशन को कैटर करता है, आधा बिहार, आधा ईस्टर्न यूपी और आधा नेपाल। और आपको बता दू, हैरानी होगी, जो जवाहरलाल नेहरू साहब ने 146 पोस्ट मेडिकल कॉलेज के लिए दी थी उस वक्त, आज भी वो भर नहीं पाए, खाली पड़ी रहती है। जिस रात ये हादसा हुआ उस रात हमारे पास 16 वार्ड में थे और 78 बच्चे थे। एक वार्ड में एक बच्चा रख सकते हो, हम लोग को 4-4, 5-5 रखना पड़ा था। अब कहते हैं, एक्सक्यूज कर देते हैं सर, कि नहीं नहीं मैं तो चीफ मिनिस्टर से 6 महीने का बना हूं, मैं क्या करता। अरे 6 महीने के चीफ मिनिस्टर नहीं हो तो, तुम 30 साल तक वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तुम्हारे और से गोरखपुर में पत्ता नहीं मिलता है। और कहते हो मैं 6 महीने पहले चीफ मिनिस्टर बना हुआ, तो मैं कैसे बनाई गई 50,000 रुपए का एक वाहन आता है, अपने एमपी फंड से 50,000 रुपए का वाहन नहीं खरीद पाया। यानी मैं तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, नहीं बस यही है कि मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं और इतना तो इस लड़ाई बहुत बड़ी है, एक सरकार के खिलाफ है। मैं आम आदमी हूं और एक राजा जो इतनी नीचे गिर गया है, राजा को एक तो राजा को प्रजा से लड़ना नहीं चाहिए,
समझ गए, पुराने जमाने में था कि प्रजा तो उसके राजा जो रहता है बाप होता है, प्रजा जो होती है बच्चे होते हैं, तो राजा बच्चे अपने बाप को अपने बच्चे से लड़ना नहीं चाहिए, फिर भी तू इतना पर्सनल बना के लड़े जा रहे हैं, उसके बाद इतने गिर जाते हो कि आप फैमिली को अटैक करते हैं, कर आज मेरे भाई को मारा, कल मेरी वाइफ को मारेंगे, परसों मेरी माँ पे इतना हमला करेंगे, तो उस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और ये भी आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि लड़ता रहूंगा, अगर मैं मारना मार दो पर चुप तो नहीं कर पाओगे, जब तक जिंदा हूं बोलता रहूंगा। और उस इंडिया के लिए काम करूंगा जो मेरी सोल है, जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, मैं ना गोरखपुर छोड़ूंगा ना इंडिया छोड़ूंगा। और कोशिश मेरा ख्वाब है कि हम इंटरप्राइटिस ट्रीटमेंट सेंटर गोरखपुर में ही बनाए, जहां पे गरीब बच्चों का इलाज हो सके, हम लोग उस जंग से लड़ सके। आप लोग तो यहां पे इतनी दूर हो, लेकिन अगर कभी पता होगा 25 साल में 25,000 बच्चे मर गए, और उससे बड़ी बात है कि जो बच्चे बच जाते हैं वो अपाहिज हो जाते हैं, तो ये भी एक लड़ाई है। तो आप सबका साथ चाहिए, संजय सर आपका भी साथ चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कभी कभी अकेला महसूस करते हैं, बस सबका प्यार है हम लोग को इतना लंबा खींचा है, हमको इतनी बड़ी लड़ाई में वो है, एक एक इंस्पिरेशन मिल जाता है कि चलो कर रहे हैं। So the time is not far and the devil will lose and the humanity will win. किसी ने कहा है कि जख्म इतने गहरा हो गया कि मरहम हो गया, जख्म इतना गहरा हो गया कि मरहम हो गया, तो अब कुछ जितना करना चाहे तुम कर सकते हो, हाँ गोली मारोगे या कुछ करना चाहो करो, बट हम अपने भारत को अपने देश को बर्बाद होने टूटने नहीं देंगे। जो आपकी नीतियां हैं, जो आपका सोच है, उस गंदी सोच को, उस गंदी सोच को हम इस उस गंदी आइडियोलॉजी को इस भारत से उखाड़ फेंकेंगे एक न एक, और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा भारत, हमारे लोग फिर से वही माहौल में जिएंगे कि किसी को डर नहीं रहेगा कि हम ये करें। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम छात्र, एक मिनट में और लूंगा, हमारे साथ डॉक्टर सतीश कुमार थे, डॉक्टर सतीश कुमार ही इज अ दलित, ही वो द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, उनको इसी टाइप के उपचार डीजीएम ने डॉक्टर सतीश कुमार को उनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में 100 वाट का बना दिया, वो एनेस्थीसिया का जो भी है, क्यों बना दिया, क्योंकि वो दर्द थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, मेरे साथ 9 महीना जेल में रहे डॉक्टर सतीश कुमार, मेरे साथ बात सुनते हो। अब वो बताते थे कि हम लोग इतने गरीब थे बचपन में कि जब गाय मर जाती थी तो उनका भी हम लोग गोश्त खाते, वो बंदा जब उस लेवल पे पहुंच गया तो किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया गया, किसी को बचाने के लिए, मतलब एक नॉर्मल मेडिकल फील्ड का बंदा जाने का कि एक एनेस्थीसिया का एचओडी वो पीडियाट्रिक का एचओडी नहीं हो सकता, लेकिन उनको भी जेल भेज दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कम्युनिटी हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ कास्ट हो रही है, हम लोगों को सबको उन सबके लिए आवाज उठानी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, और चाहे वो किसी भी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उस पे अगर ये हुकूमत जो लोग, चाहे
किसी भी कम्युनिटी के हो, अगर ये हुकूमत उन पे जुल्म कर रही है तो उनको हमारी आवाज उनको देनी होगी, हमको उनका साथ देना होगा। और वो जो टनल विजन है उससे हमको अपने आप को बचा के एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ब्रॉड विजन बना के अपने भारत अपने हिंदुस्तान के लिए सोचना होगा। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत